दोस्त मैं हूँ अभी पाली के सबसे प्राचीन मंदिर सोमनाथ मंदिर में। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, इसका मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ मंदिर के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। मैं ऐतिहासिक मंदिर है पाली का, पाली शहर का सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे ऐतिहासिक। दोस्तों मैं सोमनाथ मंदिर की बात करूं तो पुराने समय में इसको सोमेश्वर नाम से जाना जाता था। इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ने की कोशिश तोड़ा इसको, लेकिन फिर भी ये आज अपने इतिहास और पुरातत्विक शैली के कारण आज भी ये जीवित है ये मंदिर। और इस मंदिर को नेशनल हेरिटेज का उपाधि भी दी गई है, इसकी उपाधि भी दी गई है मंदिर को नेशनल हेरिटेज की। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का, पाली का। मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था इसको। फिर यहाँ के जो पाली के जो ब्राह्मण हैं, जो पाली वाले ब्राह्मण है, उन्होंने फिर से इसका जीर्णोद्धार कराया नसीरुद्दीन करके, नसीरुद्दीन। और बहुत सारे ऐसे विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। इसका जो यहाँ के जो पाली के जो लोग हैं, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया वापस। और फिर से आज अपनी ये पुरातत्विक शैली के कारण आज ये फिर से जीवित है। और आप जब भी आप पाली ये पधारो, यहाँ पे मंदिर दर्शन जरूर करें। भारतीय सांस्कृतिक निधि पाली अध्याय द्वारा ये उत्कृष्ट है, बना हुआ है। और पाली शहर की शान है ये सोमनाथ। दोस्तों ऐतिहासिक मंदिर, प्राचीन सोमनाथ मंदिर, पूरे परिवार के साथ जरूर बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पुरातत्विक उत्खनन देख सकते हो आप, यहाँ पे प्राचीन कलाकृति की हुई है यहाँ पे मंदिर पे। भगवान की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, सभी भगवान की प्रतिमा लगी हुई है।